जय हिंद। इस वीडियो में लोग बात करेंगे इरम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, इरम फार्मास्यूटिकल एक पेनी स्टॉक है और यह एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सारे रिटेल निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। तो इस बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो व्यक्ति इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उनका पैसा फंसा हुआ है तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन शुरुआत हम लोग एकदम शुरू से करेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि आखिर इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, इरम फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। यह मार्केटिंग, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस करती है। किस चीज़ का तो देखेंगे, एंटीबायोटिक ड्रग्स, डर्माटोलॉजी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और इंजेक्शन, यानी बेसिकली दवाओं वाली चीज़ का ही यह मार्केटिंग, ट्रेडिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। क्योंकि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो यही इसका मेन काम है। देखिए, एक बात के लिए आप श्योर रहिए कि FMCG और ऑटोमोबाइल के बाद फार्मा सेक्टर का भारत में हमेशा हर एक परिस्थिति में डिमांड रहेगा। ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जो कभी किसी परिस्थिति में बंद नहीं होंगे। और यही बात है कि आप देखेंगे फार्मा सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं, हालांकि छोटी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें शेयर में बढ़ना घटना चलते रहता है, लेकिन ओवरऑल उनकी डिमांड हमेशा रहती है और शेयर प्राइस ऊपर ही जाता है। अगर इस कंपनी की बात करें, इरम फार्मा की, तो यह काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका देखेंगे तो मार्केट कैप सिर्फ 17 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक है इसकी वजह से इसके जो फंडामेंटल हैं उतने स्ट्रांग नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी वर्तमान में देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 2.75 रुपये के आसपास चल रहा है आज के दिन का शेयर प्राइस। और आज भी देखेंगे तो इसमें 0.75% का गिरावट देखने को मिला है। और बेसिकली गिरावट काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यह आप समझेंगे। देखिए, यह स्टॉक उठना शुरू हुआ था 5.16 रुपये से, यानी कि यहाँ से उठकर अपना 25 रुपये के आसपास तक हाई लगाया था, आपको पता है। लेकिन अभी देखेंगे तो जहाँ से ये स्टॉक उठना शुरू हुआ था 5.16 रुपये से, वहाँ से डाउन होकर काफ़ी नीचे आ गया है, यहाँ तक आ गया 2.75 रुपये तक। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ये स्टॉक उठना शुरू हुआ था वहाँ से नीचे आ गया, यानी कि अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसको यह कंपनी ब्रेक कर दिया है, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तोड़कर और नीचे आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है। आगे ये अभी अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है जून 2022 में, यानी कि इसी साल कुछ ही महीने पहले ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अपना ब्रेक किया है 5.16 रुपये का। तो जो लोग इसके चार्ट से वाकिफ़ होंगे या इस पर रेगुलर नज़र रखते होंगे वो तो तुरंत एग्जिट कर गए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो रेगुलर अपडेट नहीं रहते हैं वो अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। तो उनको क्या करना चाहिए अभी? देखिए, अभी यह स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में, यानी कि एक रेंज में अभी स्टॉक घूम रहा है, तो आपको अभी वेट करना चाहिए। वेट करना है कि कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलता है तो ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। क्योंकि मेरा स्टडी यह कहता है कि जब कंसोलिडेशन रेंज से यह स्टॉक बाहर निकलेगा तो सामान्यतः प्राइस ऊपर जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना 2.75 रुपये, इसके बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है। काफ़ी ऊपर नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर है, क्योंकि बुक वैल्यू है 2 रुपये के आसपास और अभी शेयर प्राइस 2.75 रुपये है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम करते हुए दिख रही है, कंपनी का कर्जा काफ़ी कम हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो Q1 का रिजल्ट आया था, यानी कि जून के क्वार्टर का, वो काफ़ी अच्छा आया था, उसमें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और अब आपको पता है कि Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है, यानी कि सितंबर Q का रिजल्ट, तो इसके बेसिस पर कह सकते हैं कि Q2 का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और एक बात आप समझिए कि अभी इस कंपनी का ROE 14% और ROC 12% के आसपास है। एक पेनी स्टॉक का जिसका मार्केट कैप सिर्फ 17 करोड़ के आसपास है, उसका ROE इतना हाई है, ये काफ़ी अच्छी बात। हाई तो नहीं है लेकिन काफ़ी ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अभी भी इसमें फंसे हुए हैं तो थोड़ा समय दीजिए। हाँ, चिंता की बात यह है कि प्रमोटर्स अपना माल लगातार इसमें से बेच रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं। आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर सेशन हम देख रहे हैं कि इस प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी लगातार घटाई है। अभी इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 37.57% के आसपास घट कर रह गई है। और यदि Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये अपना माल बेचेंगे और धीरे धीरे इसमें से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको Q2 के रिजल्ट आने तक इंतजार करना है। यदि रिजल्ट अच्छा आता है और शेयर प्राइस ऊपर जाता है तब आप इसमें बेशक समय दीजिएगा, बने रहिएगा। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता और शेयर प्राइस इससे भी नीचे जाता है तब इसमें रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इस कंपनी से एग्जिट हो जाएगा और अपना जो भी पैसा बचा है उसको किसी दूसरे कंपनी में लगाकर इसमें जितना लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई समझ में आई होंगी। मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट में जरूर पूछिएगा। और यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म एंजल के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें डीमेट अकाउंट ओपन कराने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।